कचरा सिर्फ एक चम्मच एकदम हेल्दी हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट बनाते हैं, तो ये सोयाबीन से बनाएंगे हम। तो यहाँ पे एक पैन ले लिया है मैंने, सिर्फ 5 मिनट में बन जाएगा ये नाश्ता। और इतना हेल्दी है, इतना हेल्दी है कि आप इसे रोज़ बनाएंगे, आई मीन अल्टरनेट डेज में या वीकली तो खाएंगे ही खाएंगे। तो सोयाबीन तो आपको पता ही, ये प्रोटीन से भरपूर होता है और इसमें हम स्प्राउट्स भी डालेंगे तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा नाश्ता है मॉर्निंग में, अगर आप इसे लोगे तो ये आपके प्रोटीन को, एनर्जी को पूरा फुलफिल कर देगा। तो आपको किसी भी मतलब वीकनेस की कमी नहीं होगी। अगर आप वर्कआउट करते हैं मॉर्निंग में तो आपको मस्ट है, आपको वीकली तो इसको एक बार दो बार लेना ही लेना है। तो एक पैन ले लेंगे, उसमें एक चम्मच तेल डालेंगे और ये एकदम ऑयल फ्री है तो बहुत कम तेल लगता है इसमें, तो आप कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप वर्कआउट पे हो या फिर डाइट पे हो तो उसे आप खा सकते हो, इसमें बहुत ही कम कैलोरी पाई जाती है। तो बस तेल में मतलब जीरा डालना है तो डालिए, अदरवाइज सोयाबीन को अच्छे से रोस्ट कर देंगे हम, इसे फ्राई नहीं कर रहे हैं, बस इसमें हल्का सा तेल से रोस्ट करेंगे। अगर तेल नहीं डालेंगे तो नहीं हो पाएगा रोस्ट। तो बस इसको 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे, फिर इसमें स्प्राउट्स जो भी हो आपके पास, चना मूंग वो सब आप डाल सकते हो, तो बस उसको भी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको 1 मिनट के लिए ढक देंगे हम। तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा, मूंग हल्का सा पक जाएगा तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, और सोयाबीन भी जो कच्चे होंगे वो हल्के से पक जाएंगे। जैसे भी हमने सोयाबीन को रोस्ट कर दिया तो वो पक चुके हैं ऑलरेडी 50%, तो हल्का सा और कुक हो जाएगा। तो बस इसको मैंने चला लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको मैं ढक दूंगी 1 मिनट के लिए, इसको कवर कर देना है, फिर वापस चला लेंगे बीच में एक बार। मतलब भाई सोयाबीन को मैंने ज़्यादा गर्म पानी में भिगो दिया था, तो सोयाबीन को आप थोड़ी देर पहले 10 मिनट गर्म पानी में, 10-15 मिनट या आधे घंटे के लिए गर्म पानी में छोड़ देंगे तो ये ब्रेक टूटेंगे नहीं। अगर इसको आप बॉईल कर दोगे तो ये टूटने लगेंगे। तो अच्छे से उसका पानी निचोड़ के फिर इसमें डालना है आपको, पानी उसमें नहीं रहना चाहिए अदरवाइज टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। बस इसको चला के फिर से 1 मिनट के लिए ढक देंगे। तो बस हमारे टोटल 4-5 मिनट्स हुए हैं और ये बनके रेडी है। तो उसके ऊपर स्प्रिंग ओनियन डाल दो, बारीक कटी धनिया डाल दो, किसी से भी आप गार्निश कर सकते हो। तो स्प्रिंग ओनियन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप इसमें डाल के देखना। अभी विंटर का सीज़न है, स्प्रिंग ओनियन अवेलेबल होता है, तो आप इसमें ज़रूर डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जनरली वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और मेरे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, जैसी भी लगी हो अच्छी बुरी कमेंट करके बता देना। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और मेरे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे मेरे न्यू वीडियोस आपको जल्दी से मिल जाएंगे। तो चलो इसे सर्व करते हैं, ये रेडी है सर्व के लिए। तो मैंने इसको धनिया भी डाल दिया है ऊपर से। तो सोयाबीन और मूंग में इतना ज़्यादा एनर्जी होता है और इतना ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप इसे ज़रूर बनाना। मतलब आजकल तो हम स्प्राउट्स खाते ही हैं, हमारे घर में रहते ही हैं, तो आप इस तरह से खाएंगे ना तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो आप इसमें कच्चा प्याज ऊपर से डाल सकते हो, नींबू डाल सकते हो, आप उसको और भी टेस्टी बना सकते हो। तो मैं तो ऐसे ही खाने वाली हूँ, मुझे ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो सर्व कर दिया, कितना टेस्टी देखने में ही लग रहा है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं ऐसी आइडियाज़ के साथ। बाय बाय।